साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक्टर विजय देवरा कोंजा के साथ अपने लिंकअप की खबरों को लेकर काफी चर्चा में रहती है और उनके फैंस के दिल में सवाल घूमता रहता है कि क्या सच में एक्ट्रेस रश्मिका विजय के साथ रिलेशनशिप में है या फिर नहीं। तो चलिए आज जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए कि आखिर रश्मिका और विजय की लव स्टोरी की सच्चाई आखिर क्या है, क्या दोनों साथ हैं या फिर नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी फिल्म क्विरिक पार्टी के को एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ अपने रिश्ते को लेकर रश्मिका ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तो वहीं अपनी पहली फिल्म के दौरान उन्होंने अपने को एक्टर को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद साल 2017 में दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी के जरिए अपने होम टाउन जाकर सगाई भी कर ली थी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन कुछ साल तक एक साथ रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे की आपसी सहमति से अलग होने का भी फैसला कर लिया था। बता दें कि एक्ट्रेस रश्मिका के रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की अफवाहें भी सामने आई। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म गीता गोविंदम में दोनों ने एक साथ काम किया। दोनों की मुलाकात इस फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां से दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो वहीं इस फिल्म के सुपरहिट होते ही रश्मिका को इंडस्ट्री से बड़े फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे, जिसके बाद रश्मिका ने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया और अपने करियर को चुना। लेकिन साल 2019 में आई फिल्म कामरेड में उन्हें एक बार फिर विजय के साथ ही काम करने का मौका मिला, जिसके बाद इन दोनों की केमिस्ट्री इनके दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन उस वक्त रश्मिका अपने ब्रेकअप से काफी उभरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनके दोस्त विजय देवरा कोंजा ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। विजय अक्सर रश्मिका के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आते, सेट पर भी वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रश्मिका के साथ ही बिताते थे। यहाँ तक कि विजय अक्सर रश्मिका से फोन पर भी बात कर उन्हें हंसाते और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते थे। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई तो रश्मिका विजय देवरा कोंजा से दूर होने लगी। दरअसल रश्मिका इस वक्त किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि वो इस वक्त सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने विजय से दूरी बनाना ही सही समझा। कुछ वक्त बाद रश्मि ने विजय से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन रश्मि ने यह जरूर बताया कि विजय देवरा कोंजा वो हैं जिन्होंने उनके एक्स बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी के साथ हुआ ब्रेकअप से उभरने में उनकी मदद की थी। साथ ही रश्मि ने कहा कि विजय और रश्मि काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। तो दोस्तों आपको रश्मि और विजय की इस लव स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा और किसके साथ आपको रश्मि की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।